आज हम बनाने वाले हैं आपकी होली को बहुत ही स्पेशल राजधानी बेसन के साथ। होली का त्यौहार हो और मिठाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम आपको दिखाएंगे स्पेशल मोतीचूर के लड्डू। यहाँ इतने टाइम से सब होली पर गुजिया देकर चले जाते तो हमने सोचा आज कुछ नया करते हैं। दिखाते हैं आपको मोतीचूर के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तैयार करे जाते हैं। लड्डू बहुत शानदार होने वाले हैं, बनाए जाएंगे राजधानी बेसन से और इस बार की होली होने वाली है उससे भी ज़्यादा शानदार, क्योंकि हम आ चुके हैं वृंदावन में और वृंदावन की होली पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है राजधानी बेसन के साथ। सबसे पहले राजधानी बेसन को लिया जाएगा, अच्छे से छाना जाएगा और सारे लम्स को हटा दिया जाएगा। इसी से हमारे लड्डू बनेंगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया से। और यहाँ पे बेसन लेने के साथ ही यहाँ पे आगे हमारा पानी और कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करा जाएगा, सिर्फ पानी और बेसन को अच्छे से घोला जाएगा। घोलने के बाद अब यहाँ पे बनाई जाएगी हमारे बेसन से बूंदी, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू है, बूंदियाँ नहीं बनेंगी तो भाई लड्डू कैसे ही बनेंगे। वैसे तो नॉर्मली लड्डू हो जाएंगे अगर बनाएंगे तो, लेकिन बूंदी से बनाए जाएंगे तो टेक्स्चर अलग आएगा, स्वाद अलग आएगा और मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बूंदी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और निकाल ली जा रही है और डाल दी जाएगी अलग से छन्नी में ताकि एक्सेस ऑयल जो है ड्रेन हो जाए। अब बारी आती है यहाँ पर बूंदी बनने के बाद हमारी चाशनी की। चाशनी के लिए यहाँ पर सबसे पहले आ गई हमारी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दी गई है पानी और पानी डालते के साथ ही यहाँ पे अब आ जाएगी हमारी चीनी। चीनी की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी सेम रहती है क्योंकि चाशनी का लेवल जो है मैच होना चाहिए। और इसी चाशनी के अंदर पकाई जाएगी हमारी बूंदी। तो यहाँ पे अब हमारे कलर के लिए डाला जाएगा थोड़ा सा केसर पाउडर, जिससे कलर आएगा। अब बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि हमारी चाशनी अच्छे से बननी जाती, चीनी अच्छे से पिघलनी जाती और जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आ जाएगी हमारी यहाँ पे बूंदी। बूंदी को अच्छे से पकाया जाएगा चाशनी के अंदर ताकि बूंदी के अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए और भाई स्वाद आए एकदम भरपूर, क्योंकि भरपूर स्वाद नहीं आएगा तो भाई खाने में मज़ा भी नहीं आएगा और बिना स्वाद के तो होली भाई मनाई नहीं जा सकती। और भाई मिठाई की बात आई है तो मिठाई और देसी घी ना हो तो ऐसा कैसे ही होगा। और ये ऐसी यूनिक मिठाई है जिसमें घी का इस्तेमाल पहले नहीं बाद में करा जाता है ताकि टेक्स्चर बहुत बढ़िया आए, शक्ल बहुत बढ़िया आए। और अब यहाँ पे हमारा सारा बैटर को निकाल दिया गया एक परात के अंदर और अब इसको करा जाएगा अच्छे से ठंडा। और अब फैला के अच्छे से बैटर को कर दिया जाएगा ठंडा ताकि शेप अच्छी आए और लड्डू बने एकदम बढ़िया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करा जाता, एकदम हाथ से लड्डू बनाए जाते हैं और हर बार लड्डू की शेप जो है सेम होती है और देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। और राम भाई हमारे गोल गोल लड्डू सब मिलके अच्छे से तैयार कर रहे हैं। लड्डू देखो भाई देखने में कितना बढ़िया लगता है। और लड्डू बनने के बाद ही अब बारी आती है हमारी गार्निश की, तो गार्निश करे जाते हैं पिस्ते के साथ। अब चलते हैं अपनी मैडम के पास जो आपको टेस्ट करके बताए।